ख्याल है दोस्तों, आज हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर हनुमान जी के चांदनी चौक में। हम खड़े हैं मरकट वाले बाबा जी के मंदिर के बाहर। एक चीज बता दूं, ये पुलिस वाले भाई साहब को देख रहे हो व्हाइट ड्रेस वाले, जो ये ऐसे वीडियो बना लेते हैं और ऐसी चालान भेज देते हैं। जय हो मरकट वाले बाबा जी की। बड़ा बड़ा लाल किला और अगर 350 साल पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है भाई जगह। हाँ जी, रथ भी है। कहाँ है वो? आगे बिल्डिंग है हमारी, एक इतनी बड़ी। यार आप दिखवा दो अगर हो सकता है। वो बंद रहता है साल में एक ही दफा खुलता है। एक ही बार? वो कितना पुराना रथ रहेगा? वो 152 साल होगा। 152 साल का रथ पुराना है। क्या है दोस्तों, आज हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर हनुमान जी के चांदनी चौक में। पत्थर वाले हनुमान जी का मंदिर जो है। और मेरे साथ है पापा मम्मी दोनों। यार दिख नहीं रहे पीछे लाइट, जलाना होता है लाइट। और चांदनी चौक हम जा रहे हैं, वहाँ की मान्यता सब बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे देखते हैं, जाके दर्शन करते हैं और मांग के आते हैं कुछ, और जो भी है आपको वहाँ जाके सब चीज़ बता दें। सो गाइस, मैं निकल चुका हूँ घर से और मैं जा रहा हूँ प्राचीन मंदिर हनुमान जी के, कहाँ पे? चांदनी चौक, जिनको बोलते हैं पत्थर वाले बाबा। तो वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। मन में बहुत सी आस्था है और बहुत सारी भक्ति की वो क्या कहते हैं भावना लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ चलते हैं जल्दी से। और मैं रास्ते में हूँ, लगभग यमुना तक पहुँच गया हूँ और चांदनी चौक तक, मतलब चांदनी चौक हम पहुँच जाए तो वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ कि कैसे आपको वहाँ पर पहुँचना। मैं तो कैब से जा रहा हूँ पर मैं आपको वो बता दूंगा कि आपने कौन सा मेट्रो स्टेशन उतरना है, जो भी लोकेशन वगैरह है सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपने वहाँ मंदिर तक पहुँचना है। ठीक है, तो मैं निकल चुका हूँ, देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके और बनाते हैं अपनी राह को थोड़ा आसान। जाम ही बहुत है, समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या आज इतना ट्रैफिक क्यों है। जाके थोड़ा बहुत खुला है जाम, दिल्ली का जाम कभी खत्म नहीं हो सकता, नहीं होगा। मेट्रो भी चल पड़ी है, फिर जाम हर आदमी के पास तो गाड़ियाँ हैं। फिर रोक दिया पुलिस वाले भाई साहब ने हमें, ये क्या बात है, अभी तो निकले भी नहीं थे हम। ए अंकल जी जाने दो। गाइस एक चीज बता दूं, ये पुलिस वाले भाई साहब को देख रहे हो व्हाइट ड्रेस वाले, जो ये ऐसे वीडियो बना लेते हैं और ऐसी चालान भेज देते हैं, तो थोड़ा ये मत सोचना कि यहाँ पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। तो सीसीटीवी ये लोग भी है और ऐसी चालान भेज देते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, कोई कैच हो तो हाँ, कानून का उल्लंघन मत करो। वैसे तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देखो अभी हमारा रोक दिया उन्होंने, कोई आता तो मैं दिखाता आपको, ये खुद ही फोटो खींच के चालान भेज देते हैं। इस भाई साहब का कट सकता है टोपी वाले। थैंक्स अंकल, थैंक्स। यहाँ यहाँ है मरकट वाले बाबा जी की, तो बोल दो जय हो मरकट वाले बाबा जी की। ट्रैफिक खुला छोड़ते थे, पता नहीं है बाबा क्या है क्या नहीं है। 7:30 के निकले हुए हैं, 9:15 हो गए, अभी तक पहुंचे ही नहीं पा रहे। इतना ट्रैफिक है यहाँ पे दिल्ली में, कोई हद नहीं। समझ ही नहीं आ रहा इतना लेट क्यों है। मेरे को तो पापा पे शक हो रहा है, पापा नहाते धोते नहीं है ना टाइम से। शर्म कर ना। शकल क्यों छुपा रहे हो? पापा की वजह से लेट हुए हैं आज हम।
यहाँ पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं ये लोग, ये साले पानी की ठेली लेके और आगे आगे वो अड़ेंगे ना हमारे लिए। हम उतर गए लाल किले के पास और अंदर जा रहे हैं चांदनी चौक के, और ये मंदिर है आपने को पता ही है, और ये गेट है हमारा, और ये मंदिर है, घुस गए हम अंदर। और ये मेट्रो स्टेशन है आपका लाल किले का, यहाँ से आप निकलो, यहाँ से आप वॉक करके अंदर तक जा सकते हैं। और लगभग हम मंदिर पहुँच गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, थोड़ा चलना पड़ता है यहाँ पे। आ जाओ मम्मी जल्दी आओ, आगे से लेफ्ट, तो आगे से लेफ्ट बता रहे हैं बाबा जी के वहाँ पे जाने के लिए, तो चल रहे हैं अभी। तो पीछे हम चले गए थे प्राचीन शिव गौरी शंकर के मंदिर से निकले, और अब हम जा रहे हैं पत्थर वाले बाबा जी की तरफ। और भाई दी में चांदनी चौक को बहुत ज़्यादा सुंदर कर दिया, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से। तो ये देखो गाइस, बड़ा सुंदर सा कर दिया यहाँ पे। मार्केट तो बेशक बंद पड़ी है पर चहल पहल बहुत है, और ये रिक्शे वगैरह चल रहे, बहुत सुंदर बना दिया ये देख रहे हो। और सामने ही पीछे लाल किला है हमारा, वो इतना बढ़िया लग रहा है हमारा लाल किला। सो गाइस लाल किला इधर से आते हैं तो इधर हमने पहला लेफ्ट लेना है, और अंदर यहाँ से सीधा सीधा जाना है यहाँ से आगे, और आपको बताता हूँ मार्ग कहाँ जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये महारानी कलेक्शन की तरफ हमने मुड़ना है, सामने यहाँ से हमने सीधा सीधा जाना है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए अपने बाबा जी के दर्शन करने, बड़ी कठिनाइयों से पहुँचे यहाँ पे क्योंकि जाम बड़ा था, कैब हमें बीच में छोड़नी पड़ी। सभी भंडारे में सब लोग आएंगे, ये सारी भीड़ है बाबा जी, 12,000 भंडारे हैं। और अगर भंडारे के लिए तो ये देखो यहाँ पे सारे भक्तों की भीड़, और ये हमारा भव्य मंदिर है। तो नारे ले रखे, नारे ले रखे, सबको उतार के रहे बाबा के चरणों में चढ़ाए। जय श्री राम, जय हो बाबा। तुम के कहे को आए तो मान, तुम सनिया मय मंगल दानी, सब पीजिया मन महु मुसुकानी। ये हमारा 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है श्री बजरंग बली जी का, और यहाँ मान्यता ये है कि किसी को कुछ संकट विपता या कोई बीमारी किडनी वगैरह की होती है, वो सब यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी उसे हर लेते हैं और स्वस्थ करके और अच्छा करके उनको भेजते हैं, उनके घर में सुख और खुशियों से भर देते हैं। तो ये इस मंदिर की मान्यता है, 300 साल पुराना मंदिर है, ये हमारा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। जय श्री बजरंग बली, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं खड़ा हूँ अभी लाइन में, एक्चुअली क्या मम्मी पापा ज़्यादा लाइन में लग नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे थोड़ा भैया से बात करी है। लाइन काफ़ी दूर तक है और लंबी है, आप देख सकते हो। तो अभी जाते हैं, धीरे से अंदर जाते हैं और दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा है प्रभु का रूप, प्रभु का चमत्कारी रूप जिसको बोलते हैं यहाँ पे, और इसके बारे में आपको विस्तार में थोड़ी देर में बताऊँ। और अपने पर्सों को ध्यान रखिए, अपने मोबाइलों को ध्यान रखिए। Thank you.
गाइस ये ना यहाँ पे जगन्नाथ जी का एक ही मंदिर है दिल्ली में, और इस रोड का सबसे पहला मंदिर यही है। इस रोड का सबसे पहला मंदिर ही यही है, मतलब कितने साल पुराना? साढ़े तीन सौ साल पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है भाई जगन्नाथ जी का। तो बोलो जय जगन्नाथ की जय। बिल्डिंग देख कितनी पुरानी है। ये देखो सही है। हाँ जी, रथ भी है। कहाँ है वो? आगे बिल्डिंग है इतनी बड़ी। यार आप दिखवा दो अगर हो सकता है तो। वो बंद रहता है साल में एक ही बार। वो कितना पुराना रथ रहेगा? वो कंजन 152 साल हो गए थे। 152 साल का रथ पुराना है। मेरे को नंबर बता ना, कब खुलता है वैसे वो? अब वो निकलेगा जून में। मेरे को बुलाओगे? नंबर दे देना मेरे को, कल आऊंगा। चलो मैं कल आऊंगा। धन्यवाद सर। भगवान आज्ञा दो हम हमारे सारी विपता से हर लो, जो भी परेशानियाँ वो सब दूर करो। तो आपको यही बताना चाहूँगा, हमारे दर्शन जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे हुए हैं और सिंपल सा मार्ग है। ये देखो सामने लाल किले पे उतरोगे, सामने लाल किला मतलब सीधे सीधे आ जाना, और ये आपको बता रहा था महारानी कलेक्शन से कपड़ों की दुकान है उस गली में हो जाना, और सामने हमारे बाबा जी का मंदिर है जहाँ बाबा जी के दर्शन कर पाएंगे। तो हमने ई रिक्शा करा लाल किला जाने के लिए, जो जस्ट सामने ही हमारे, और बैठ गए हम ई रिक्शा में। ये आ गए हम लाल किले के पास। अभी कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। अभी एक पॉइंट आएगा, मैं और मेरे भैया विनय जी, हम दोनों जब भी इस तरफ आते थे तो एक पॉइंट था हमारा, एक छली वाला बैठता था और वो हमें कच्ची कच्ची छली निकाल के खिलाता था, और तीन छली वो खा जाता था, तीन छल्ली बैठ के तो हो जाती थी। लेकिन वो जब नींबू लगाता था ना, तो नींबू लगाने वाली उसकी आवाज बड़ी खतरनाक थी। अच्छा जी, छल्ली पे नींबू लगाता था, यूं लगाता था जैसे उसके दांत कटे हुए। अच्छा जी, तो उन्हें कहा भैया ये क्या? अच्छा, वो बंदे के जो नींबू लगा रहा था। हाँ यहाँ पे ना ये लाजपत राय मार्केट है। पहले तो नहीं होता था। अच्छा, इसके नीचे जल्दी वाला बैठता था वो। यार बस ही आ गई, समझ गया मैं। लाजपत मार्केट के मतलब यहाँ पे। हाँ यहाँ पे लाल किला आफ्टर 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के बाद लाल किला कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कितना प्यारा लग रहा है ना, जो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ये है लाल किला हमारा, हमारी शान, दिल्ली की पहचान। लाल किला हमारे सामने है और इसके ठीक सामने ही आपका गौरी शिव मंदिर है ये वाला, और सामने पुरानी चांदनी चौक है। आपको बताया था मैंने, जहाँ पत्थर वाले बाबा जी के दर्शन करने, तो यहाँ से हम गए थे और ये पूरा हुआ है। तो गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमने कर लिया ऑटो घर जाने के लिए, और दिल्ली घूमना है तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में घूमो, अपने ट्रांसपोर्ट में घूमने का फ़ायदा नहीं है। तभी दिल्ली समझ आएगी कि क्या रेट क्या है दिल्ली असली। ये देखो अब लेना जाएगी लोहे वाले पुल पे। अब ये देखो गाइस, ये मरकट वाले बाबा जी के वहीं पे आ गए हम वापसी, जहाँ से हम अंदर घुसे थे। तो अब हम जा रहे हैं लोहे वाले पुल की तरफ से नीचे नीचे से। ये देखो अगर आपने दिल्ली घूमना तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट से घूमो, जो दिल्ली की व्हीकल्स यहाँ पे लोकल चलती है, ऑटो हो गया, बस हो गया, ई रिक्शा हो गई, कैब्स वगैरह हो गई, और फ्रीली होके घूमो आप। असली दिल्ली का मज़ा आपको तभी आएगा, तभी पता लगेगी रौनक दिल्ली की, दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। गाइस पहुँच गए हम लोहे वाले पुल की तरफ, जो ये भी दिल्ली की एक शान है। पहले आप सिग्नेचर ब्रिज को बनाते थे, पर पहले लोहे वाला पुल था, और अभी भी है लोहे वाला पुल। 100 साल से भी ऊपर हो गए, अंग्रेजों के टाइम का पुल है। और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर, ये तो मैं हर ब्लॉग में दिखाता हूँ कि लोहे वाला पुल तो मेरा कॉमन हो चुका है। तो लोहे वाले पुल से मेरी क्या दुश्मनी है? मेरी साथी और
और ये एक लोहे वाला पुल और बन रहा है, ये शायद ट्रेन का है, ये टाटा कंस्ट्रक्शन वाले बना रहे हैं इसे। झूठी कहानियां बना रही है मम्मी, बताओ कितनी गलत बात है। झूठी यहाँ थोड़ी ना आते थे हम। सो गाइस हम आ गए एंड ऑफ लोहे वाला पुल और यहाँ से हम जाएंगे सीधा गीता कॉलोनी के लिए, या शास्त्री कौन सी जगह, सीलमपुरी शास्त्री बाग सीलमपुर की तरफ। बैक टू गुलशन ढाबा एंड पापा कुछ खाना पैक कराने गए हैं यहाँ पे, तो दोबारा आए हम यहाँ पे। आपको याद हो लास्ट टाइम वाली वीडियो, कल की वाली मूवी देखने गए तो हम यहाँ पे खाने आए थे, नॉनवेज लिया था हमने, तो इस बार हम कुछ वेज ट्राई कर रहे हैं, तो जाके देखते हैं क्या ले रहे हैं पापा जी। पैसे तो मैंने ही देने भैया, आया मैं दो मिनट रुकना। हम गुलशन ढाबा तो आए, ये है वेज कोरमा, और वेज कोरमा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो हमने लिया यहाँ पे पालक पनीर एंड दाल मखनी, और ये है आपका गुलशन वेज ढाबा कॉर्नर, और वहाँ से हमने लास्ट टाइम लिया था सरदार जी, आपको याद ही होंगे वीडियो में आए थे हमारे, वो है नॉनवेज का, और यहाँ है अपना स्नैक्स वगैरह का आगे, और ये है आपका वेज, तो आज वेज भी ट्राई करेंगे और घर जाके बताएंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है पापा। हाँ तो पालक पनीर की शक्ल देख लो, मतलब बेसिकली अभी ऐसी पड़ा है, वहाँ लग रहा है तड़का प्रॉपर वाला, और वो है दाल मखनी ले लिया हमने यहाँ पे गुलशन जी, थैंक यू भैया। तो चलते हैं अब जल्दी, अच्छा ऑटो यहाँ खड़ी है, तो दाल मखनी एंड पालक पनीर हमने पैक करा लिया गुलशन वाले भैया से, तो चलते हैं घर जाके खा के बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। सो गाइस ये है गुलशन वाले की दाल मखनी, इसको भी टेस्ट करके बता दूंगा कैसी है कैसी नहीं है, और अभी आपको दिखाता हूँ पालक पनीर की शक्ल कितनी ज़्यादा रिच फ्लेवर दे रही है वो कैसा है। ये है हमारी पालक पनीर बिल्कुल रिच लुक में, और ये देख रहे हो कितनी गाढ़ी और स्मूथ भी लग रही है काफ़ी, और फुल मक्खन मलाई सब डला हुआ है इसमें, तो अभी दिखाते हैं आपको जब प्लेट में गिरती है कैसी लगेगी। वाह सो डिलीशियस। तो मैं जेन्युइन रिव्यू में खाना खाते खाते बता रहा हूँ, मेरे को सच में मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे बेस्ट लग सकता है बाहर का खाना, वो भी वेज में। ये पालक पनीर की बाइट ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्मूथ रिच फ्लेवर क्रीमी, जैसा पालक पनीर आप मांगते हो ना वो आपको टेस्ट देगा गुलशन। 10/10 लूँगा मैं तो। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे मटन खाया था और मगर खाया था, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था, पर वेज का भी मतलब बैलेंस करके चला, वेज का मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा उससे। ये देखो ये आप जो दाल मखनी हम लेके आए हैं अभी, मज़ा आ गया, 10/10 है, जाओ विजिट करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको भी टेस्ट कैसा लगा। ठीक है तो अब करते हैं क्लोज इस वीडियो को, और मैं गया था आज मंदिर, आपको पता ही है जैसे कि, तो हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके दर्शन करने गया था, क्योंकि वहाँ की मान्यता बहुत है, देखा था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा हमारी यूट्यूब चैनल और हमारी फैमिली में भी ये प्राचीन मंदिर हनुमान जी का, श्री हनुमान जी का मंदिर आना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट में लिख दो जय श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव। बाय, साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, डेली डोज विद काजू, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करके लेना, कमेंट कर लेना, बहुत प्यारा था, जय श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव लिख दो, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, बाय, ठीक है।